सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12th का जो सब्जेक्ट इंग्लिश है उसका थर्ड असाइनमेंट, जो कि अक्टूबर माह का होने वाला है, अक्टूबर माह का असाइनमेंट बताने वाले हैं। सो गाइज, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। गाइज, आप क्वेश्चन देख लीजिए सबसे पहले, इसके बाद हम आंसर पर बात करेंगे। तो गाइज, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर वेल्ड अ स्विमर आउट ऑफ अ डगल्स। एंड सेकेंड, व्हाट इज़ द सैडनेस दैट द पोइट रेफर्स टू इन द पोयम कीपिंग क्वेट। देन थर्ड क्वेश्चन है, योर क्लब इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर क्लास सिंगिंग कॉम्पिटिशन, राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स इन्वेस्टिंग नेम्स ऑफ द स्टूडेंट हु वांट टू पार्टिसिपेट इन इट। ओके गाइज, आगे क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 4th and 5th, ठीक है गाइज, क्वेश्चन आपने देख लिए, अभी इसके आंसर देखते हैं। तो गाइज, आपका जो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगल्स। तो गाइज, इसका आंसर आपके सामने है, आप सिंपली वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। ओके, आंसर है, द इंस्ट्रक्टर फर्स्ट पुट अ वेल्ट अराउंड हिम टू विच अ रोप वाज अटैच्ड। The rope buckled that and on a overhead cable he held on to the end of the rope and dogles. Then guys, आपको इतना लिखने के बाद पहले आंसर में ही इतना और लिखना है, ठीक है? तो आप इससे सिंपली वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। Swam like this for weeks, there months later the tension began to decrease. Then he talked. और जो है, जो भी है, आप आंसर पॉज करके लिख सकते हो। PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू द पोयम कीपिंग क्वाइट। ओके, तो है सेकेंड क्वेश्चन जो है, इसका आंसर भी आप देख सकते हो। द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोयम कीपिंग क्वाइट इज द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग oneself, onself, and nature. Human beings in a frenzy of activities have no time for introspection and thus threaten themselves with death or destruction. This weakness their ways with distress and brashness. Okay, so guys, ये था आपका आंसर सेकेंड का। देन गाइज, आपका जो थर्ड क्वेश्चन आता है अभी, तो थर्ड क्वेश्चन देख सकते हो, जो हमने पढ़ा था, योर क्लब इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एंड एंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन, राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड इन्वेस्टिंग इनवाइटिंग नेम ऑफ द स्टूडेंट हु वांट टू पार्टिसिपेट इन इट, गिव ऑल नेसेसरी डिटेल्स, यू आर अंकिता सिक्योरिटी म्यूजिक क्लब आकाश पब्लिक स्कूल भिलाई। ओके, तो गाइज, इसका जो आंसर आप लिखोगे, तो गाइज सबसे पहले आपको आंसर में डालना होगा टॉपिक, ऊपर ब्लैक पेन से मोटे डार्क मतलब पेन से लिखना आप आकाश पब्लिक स्कूल भिलाई। देन इसके जस्ट नीचे लिखना डार्क पेन से नोटिस, एंड इतना लिखने के बाद आपको साइड में डेट डालनी है, लगभग इतने साइड में, ठीक है? ऐसे पहले लाइन में आपको ये डालना है, एक लाइन छोड़ के नोटिस, देन एक लाइन छोड़ के डेट, एंड डेट के जस्ट नीचे वाली लाइन में इंटर क्लास सिंगिंग कंपटीशन, एक एक लाइन के गैप के बाद, ठीक है? और गाइस, उसके बाद जस्ट आपको लिखना है, इतना सब कुछ लिखने के बाद इस मैटर को, यानी कि दिस नोटिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स that our school is organizing an inter-class singing competition on 30th October 2021. The theme of this year's competition is patriotism. Interested students are requested to submit their names to the undersigned. Contact the undersigned for further details about the selection process for the competition. ओके, देन गाइज, इसके बाद आपका आंसर कंप्लीट है, और आपको फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। तो फोर्थ क्वेश्चन था, यू आर अंजलि मिश्रा ऑफ रायपुर, यू वांट टू इंग्लिश ट्यूटर फॉर डॉक्टर, राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द
क्लासिफाइड कॉलम ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर। तो गाइज आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर इस टाइप से लिखना है, आंसर डालना है और ऊपर डालना है ब्लैक पेन से हेडिंग वांटेड क्लास इंग्लिश टीचर। देन इतना डालने के बाद गाइज आपको जो मेन वो डालना है कंटेंट वो होगा वांटेड हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड PGT टीचर हु कैन टीच इंग्लिश टू गर्ल स्टडिंग इन क्लास एक्स, ट्यूशन फीस इन गिव इन 5 figure फॉर दी डिजर्विंग एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट, अप्लाई विद डिटेल बायो डाटा विद इन अ वीक टू जाली मिश्रा ऑफ रायपुर। ओके और देन गाइस आपको लिखना है कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल नंबर और आपको यहाँ पर डॉट डॉट करने हैं नीचे वाली लाइन में, ठीक है। अभी गाइस आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है चौथा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5th की ओर बढ़ते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपके 3rd October असाइनमेंट का क्लास 12th इंग्लिश का, वो है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। तो गाइज इस आंसर में आपको सबसे पहले डालना है पहली लाइन में RZH जो भी है आपका स्ट्रीट एड्रेस वो डाल लेना, मतलब इसके हिसाब से डाल लेना या फिर जो भी आपको डालना है वो डाल लेना स्ट्रीट एड्रेस। देन आपको डेट डालनी है। इन दो चीज़ों के बाद गाइज आपको जस्ट नीचे डालना होगा माई डियर, आपका जो भी फ्रेंड है उसका नाम डाल दीजिएगा एंड आपको फिर इतना कंटेंट लिखना होगा, आई होप यू आर इन अ गुड हेल्थ एंड इन द बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड, आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू हैव स्कोर्ड 95% मार्क्स इन द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, यू हैव रियली वर्कड हार्ड एंड यू डिजर्व दिस सक्सेस, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन यूर ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, नाउ यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर अवेटिंग यू, यू कैन ईजिली कम्प्लीट इन एनी करियर ऑफ योर चॉइस, आई एम श्योर यू विल गेट अ स्कॉलरशिप। देन गाइज आपको इतना राइट करना है, तो इतना राइट करने के बाद आपको 2-3 lines और राइट करनी होंगी जो कुछ इस टाइप से हैं, वैन यू कम हेयर वी विल सेलिब्रेट यूर सक्सेस अपॉन यूर अराइवल, ऑल यूर फ्रेंड्स आर एजर्ली वेटिंग फॉर यूर अराइवल, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू अगेन, प्लीज पे माई रिगार्ड्स टू यूर फ्रेंड्स। गाइज देन आपका आंसर ख़त्म होता है। सो गाइज यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।